Assalamu alaikum. Hope so you all are fine, safe and sound at your home. I'm your bio teacher. Today we will discuss about cytoskeleton. So the definition is cytoskeleton ki agar baat ki jaye uski definition ki to hum kehte hain a network of an interconnected filament, that is microfilament, microtubules and intermediate filaments. These are called the cytoskeleton. So at the end of 19th century, it was discovered with the help of electron microscope that cytosol, aqueous medium of a cell, I told you in my previous lecture, the cytosol is made up of a cytoskeletal fabric which provide a peculiar structural network. Because of its spongy appearance, it has been termed as microtubular lattice. कहते हैं हमारे पास कि 19th सेंचुरी के एंड में डिस्कवर हुई थी ये ऑर्गेनेली साइटोस्केलेटन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और तब साइंटिस्ट ने क्या कहा था, जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था, कॉल्ज़ोफ इन 1928, ठीक है. उन्होंने इसको क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है, सेल के अंदर जो साइटोसोल है वो किससे मिलकर बना हुआ है, साइटोस्केलेटल फैब्रिक से. जैसे आपके बॉडी की अगर बात की जाए तो एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन है, पूरी बॉडी आपकी जो है वो स्केलेटन से मिलकर बनी हुई है. एक्सो एंडोस्केलेटन जो भी है जिसके अंदर हम बोन्स और कार्टिलेज की बात करते हैं, तो सेम प्लांट की बॉडी भी जो है वो साइटोस्केलेटल फैब्रिक से मिलकर बनी हुई है, ठीक है. तो कहते हैं धागों से, फाइबर से मिलकर बनी हुई है पूरी की पूरी बॉडी, जो कि एक पेक्यूलर स्ट्रक्चरल नेटवर्क देती है, ठीक है, एक प्रिसाइज सा एक नेटवर्क देती है, स्ट्रक्चरल जो है उसको सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और जो सेल को एक स्पंजी अपीयरेंस देती है. और उनको फर्स्ट टाइम क्या नाम दे दिया गया, माइक्रोट्रबिक्यूलर लैटिस, साइटोस्केलेटन का पहला नाम था. ओके, द माइक्रोट्रबिक्यूलर लैटिस, इट अपीयर्स एट अ मेज लाइक नेटवर्क ऑफ द हॉलो फाइबर्स एक्सटेंडेड थ्रू आउट द सेल. ये इस तरह की इसकी अपीयरेंस थी कि पजल्स की तरह की, मेज की तरह की, इसकी तरह का हॉलो सा नेटवर्क था फाइबर्स का, और एक्सटेंड हुआ वे पूरे पूरे सेल के अंदर, कनेक्टिंग एंड सस्पेंडिंग द ऑर्गेनेल इन अ काइंड ऑफ थ्री डायमेंशनल वेब. तो इस तरह लगता है कि 3D स्ट्रक्चर है इसका साइटोस्केलेटन का, और इसके अंदर जो है वो सारी की सारी ऑर्गेनेल्स जो है वो सस्पेंड हुई हुई हैं, ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स केमिकल कंपोजिशन, द मेन प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोस्केलेटन आर ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड अदर्स विच आर फाउंड इन द मसल्स. इसके अंदर जो एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन है, ये सारी और सारी मसल के अंदर जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. तो सेम इसका कंपोजिशन भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ज़्यादातर मसल सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, बाकी सब के अंदर भी है, लेकिन मसल सेल्स के अंदर फर्स्ट टाइम इसको बहुत दफ़ा देखा गया है. तो ये वाली जो प्रोटीन्स, ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन है, ये सब के सब मसल्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स फंक्शन, तो पहले इसका फंक्शन पढ़ते हैं, फिर इसके हम पार्ट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम अगर फंक्शन की बात करें, डेरिवेशन ऑफ अ सेल ऑर्गेनेली, के सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज आर डिराइव फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड स्पेशल असेंबलीज ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, फॉर एग्जांपल सीलिया, फ्लेजेला, बेसल बॉडीज, के बहुत सारी ऑर्गेनेली जो है वो इसी साइटोस्केलेटन से मिलकर बनी है, ठीक है. इसका जो पार्ट है माइक्रोट्यूब्यूल, जो मैं आपको बताऊंगी अभी क्या है, अनब्रांच्ड से इसके अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर है 25 नैनोमीटर का, तो उससे मिलकर बनी हुई हैं बहुत सारी ऑर्गेनेली, ठीक है. ये डेराइव करता है, इसने बनाई हुई हैं बहुत सी सेल ऑर्गेनेली, दैट इज सिलिया एंड फ्लेजेला. सिलिया स्मॉल बीटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और फ्लेजेला लॉन्ग जो है वो स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हेल्प करते हैं किसके अंदर, मूवमेंट के अंदर, लोकोमोशन के अंदर. जैसे आपको सिलिया नज़र आता है किसके, पेरमीशियम के अंदर, और आपको फ्लेजेला नज़र आता है एमीबा के अंदर. और बेसल बॉडीज़ जहाँ से ये निकलते हैं, क्या कहते हैं उसको, फ्लेजेला, सिलिया वगैरह वो, और सेंट्रियोल्स वगैरह, ठीक है, जो कि माइटोसिस के अंदर हेल्प आउट करते हैं. तो ये सब कहाँ से निकलते हैं, साइटोस्केलेटन से. ओके, द सेकंड फंक्शन इज मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस, द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, दिस इज कॉल्ड अ साइक्लोसिस. तो जब मैंने आपको साइटोप्लाज्म बताया था, तो तब मैंने आपको कहा था, पढ़ाया था, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हमारे पास जो साइक्लोसिस है, मूवमेंट हो रही है साइटोप्लाज्म की, वो कौन कर रहा है, यही जो सेल ऑर्गेनेली है, दैट इज अ साइटोस्केलेटन, ये करती है. इसके अलावा एमीबाइड मूवमेंट, जो अमीबा की मूवमेंट है, वो भी इसके अंदर भी इसी का हाथ है, बिकॉज ऑफ इट्स माइक्रोफिलामेंट. ये भी मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं. सो थर्ड फंक्शन इज सेलुलर शेप, इंटरमीडिएट फिलामेंट आर इन्वॉल्व्ड इन डिटरमिनेशन ऑफ द सेल शेप एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स. एक दूसरे से डिवाइड करना, इंटीग्रेट करना, अलग करना सेलुलर कंपोनेंट्स को, प्लस सेल की शेप मेंटेन करना, वो भी इसका काम है. दिस ऑर्गेनेली दैट इज अ साइटोस्केलेटन, नाम ही से पता है कि सेल का स्केलेटन है ये, ठीक है.
So the cytosol, the fluid, also contain a complex network of the fine structure called a microtubule, microfilaments and microtubercule. Microtubercule ko intermediate filaments bhi kaha jata hai. Very delicate structure hote hain. Chale hum one by one sabko padhte hain. So the first one is microfilament. If we talk about a microfilament structure, the microfilament are considerably more cylinder made up of a contractile protein actin and are linked to the interface of the plasma membrane. कहते हैं कि हमारे पास ये जो microfilament है जो कि part है किसका cytoskeleton का ये बहुत ज़्यादा delicate cylinder mean जो cylinder very delicate cylinder की तरह का है और इसके अंदर contractile protein होती हैं जो contraction के अंदर help out करती हैं जब muscles की बात हो रही है ठीक है जैसे actin और मायोसिन यहाँ पे मायोसिन नहीं लिखा हुआ और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं सो माइक्रोफिलामेंट हमारे पास पहला इसका पार्ट है जो कि जिसके अंदर प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होती है और उन प्रोटीन्स को कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहा जाता है इफ़ यू टॉक अबाउट इट अक्रेंस सच फिलामेंट्स वर फर्स्ट क्लीनली ऑब्जर्व इन द स्केलेटल मसल्स वेयर दे आर लाइंड अप पैरेलल टू ईच अदर इंटरमिक्स विद अ थिक फिलामेंट टू गिव अ सेल स्टीरिएटेड अपीयरेंस फर्स्ट टाइम इन फिलामेंट्स को इन स्ट्रक्चर को इन प्रोटीन्स को देखा गया था स्केलेटल मसल्स के अंदर विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ और विल आपके बाजू के मसल आपके हाथों के मसल्स ठीक है इनके अंदर देखा गया था कब देखा गया था कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर ये आपको सेकंड ईयर का आपका टॉपिक है कि एक दूसरे के ऊपर इन्होंने थिक और थिन फिलामेंट्स बनाए हुए हैं मींस कि ये मसल्स ने स्ट्राइप्स बनाई हुई हैं अपेयरेंस इनकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह बनी हुई है तो जब वहाँ पे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया तो साइंटिस्ट ने कहा ये वो वाली प्रोटीन है जो कि किससे मिलकर बनी हुई है माइक्रोफिलामेंट है इसके अंदर ठीक है या वो वाली प्रोटीन है जो कि क्या बना रही है माइक्रोफिलामेंट बना दिया तो फिर साइंटिस्ट ने कहा ये माइक्रोफिलामेंट तो पार्ट है साइटोस्केलेटन का तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है और इट इज़ द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन और ये किसमें हेल्प आउट कर रही है मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में और स्टीरिएटेड अपीयरेंस दे रही है यानी कि एक हमें जो है वो अरेंजमेंट दे रही है ठीक है और इन ये बहुत सारे सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं ऑर्डरली फैशन के अंदर और ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है ठीक है थोड़ी कम प्रोमिनेंट है ओके दे आर ऑल्सो फाउंड नियर द एडवांसिंग एज ऑफ सीटोपोडिया लाइक दैट ऑफ अमीबा अमीबा के जो सीटोपोडिया होते हैं फॉल्स फुट होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट है कुछ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग के अंदर हेल्प आउट करते हैं कि साइटोप्लाज्म की जो साइक्लोसिस होता है जो मूवमेंट है साइटोप्लाज्म की अराउंड द न्यूक्लियस उसके अंदर भी हेल्प आउट करते हैं ठीक है इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है माइक्रोफिलामेंट एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स के अंदर स्मॉल जो वेक्यूल्स होते हैं एंडोसाइटोसिस के उसके अंदर प्रेजेंट है और जो एंडोसाइटोसिस का फिनोमिनन करते हैं इनसाइड द सेल जो है वो ठीक है एंडोसाइटोसिस मीन्स कि एंजाइम का जो है वो बाहर से अंदर आना और अंदर सेल की तरफ और अंदर आके जो भी फंक्शन परफॉर्म करना वो काम भी ये करती है ठीक है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये मूव करते हैं और सारा काम वगैरह और डिस्चार्ज करते हैं अपने कॉन्टैक्ट को इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस यानी एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल ये जो है वो दोनों अपने जो कंटेंट इनके होते हैं इनके अंदर जितना भी इनके एंजाइम सिस्टम और प्रोटीन्स हैं उनको रिमूव करते हैं और सॉरी रिलीज़ करते हैं और इंटर करते हैं इनसाइड द सेल और अपना जितना भी फंक्शन है वो करते हैं ठीक है सो इसका फंक्शन अगर देखा जाए तो दे आर इन्वॉल्व इन द इंटरनल सेल मोशन ये सेल की जितनी भी इंटरनल मूवमेंट होती है उसके अंदर हेल्प आउट करते हैं ठीक है ओके द सेकंड इज माइक्रोट्यूब्यूल्स इफ यू टॉक अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स तो हम कहते हैं दीज आर लॉन्ग सिलेंडर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स और इनका फंक्शन क्या है जो स्पिंडल दीज आर लॉन्ग अनब्रांच सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विद एन एवरेज डायमीटर ऑफ अबाउट 25 नैनोमीटर दीज स्ट्रक्चर आर मेड प्राइमली बाय द सेल्फ असेंबली ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती हैं इसके अंदर इनका काम क्या है कि ये क्या करना डिसअसम्बली या असम्बली करना यानी कि असम्बल करना एक प्रोसाइज्ड वे के अंदर जो है वो माइटोसिस के अंदर जो स्पिंडल स्ट्रक्चर है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह है उनको अपनी जगह पे रखना और उनको हटाना इस सब का काम माइटोसिस के अंदर कौन कर रहा है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स करती हैं ठीक है नेक्स्ट इनका फंक्शन क्या है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इज देयर रोल इज द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल स्ट्रक्चर कि हमारे पास जो स्पिंडल स्ट्रक्चर जो स्पिंडल अपरेटस बनता है ना माइटोसिस के अंदर उसको लाना और उसको डिसअपियर करना ये माइक्रोट्यूब्यूल का काम है विच इज़ द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन ड्यूरिंग माइटोसिस एंड दे आर आल्सो प्रोवाइड इंटरनल स्ट्रक्चर टू द सेल जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी ये प्रोवाइड करते हैं थर्ड वन इज माइक्रोट्रेबिक्यूली या इसको हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट ये सेल की शेप सिंपल हम कहते हैं कि मेंटेन करते हैं ठीक है माइक्रोट्यूबिकली अपीयर्स टू बी वेरी फ्रेजाइल बहुत डेलिकेट ट्यूब होती है
और डेली केयर से नेटवर्क बनाती है साइटोसोल के अंदर और ये सेल की शेप मेंटेन करती है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं पूरे का पूरा सेल का 3D स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है और इसके अंदर सारी सारी ऑर्गेनेल्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ माइक्रोफिलामेंट, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट, देन माइक्रोट्यूबरक्यूली, और ये सारे के सारे अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं और ये तीनों मिल के कॉम्पोनेंट जो है क्या बना देते हैं, साइटोस्केलेटन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।